ये है Realme P1 5G। इसमें न्यू अपडेट मिला है जिसका वर्जन है Realme UI 5.0, रोम कोड है 14.0.0.exe01 एंड इस अपडेट में कैमरा, कंट्रोल सेंटर, फिंगरप्रिंट, बैटरी एंड सिक्योरिटी पैच का अपडेट मिला है जिसे हमने अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लिया है। तो आइए देखते हैं कि अपडेट के बाद और क्या क्या चेंजेस देखने को मिला है और अगर आपको अपडेट इंस्टॉल करना है तो कैसे कर सकते हैं, क्या अपडेट को इंस्टॉल करना जरूरी है एंड साथ में जानेंगे कि Realme P1 5G को अपकमिंग Realme UI 6.0 का अपडेट कब तक देखने को मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के इन तक। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। अपडेट के बाद सबसे पहले कैमरे में चेंजेस देखने मिला है। फोटोज वीडियोस पहले से बेटर क्वालिटी में क्लिक कर सकते हैं और कैमरा के अंदर जितने भी इफेक्ट है सभी को पहले से ज्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इनडोर पे कुछ इमेज को क्लिक किया था जिसमें इमेज क्वालिटी लाइट कंट्रोल बहुत ही अच्छे से कर रखा है। ओवरऑल अपडेट के बाद कैमरा में काफी ज्यादा फीचर्स देखने को मिला है एंड क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो कैमरा अपडेट के लिए एक लाइक तो बनता है। नेक्स्ट चेंजेस कंट्रोल सेंटर में मिलता है। अपडेट से पहले ये वाला था जो देखने में लगभग Xiaomi Redmi सीरीज जैसा लगता था कंट्रोल सेंटर, बट अपडेट के बाद काफी बढ़िया चेंजेस देखने को मिलता है। पूरा का पूरा UI डिजाइन में चेंजेस हो चुका है जो कि आईफोन जैसा लुक प्रोवाइड करता है। वाईफाई, ब्लूटूथ, ब्राइटनेस, साउंड कंट्रोल का बटन, हर एक चीज अलग हो चुका है। बट एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, वो है म्यूजिक कंट्रोल। बट ऐसा भी हो सकता है कि जब आप ऑडियो को प्ले करेंगे तब नोटिफिकेशन पैनल में म्यूजिक कंट्रोल का सपोर्ट देखने को मिले। एंड अभी मैंने कोई भी म्यूजिक यहाँ पे अपडेट के बाद प्ले नहीं किया है जिसकी वजह से यहाँ पे हाइट देखने को मिल रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ऐसा कुछ हो रहा है क्या आप लोगों के साथ जिससे दूसरे यूजर्स को भी हेल्प हो जाए। एंड अपडेट से पहले अनलॉक करते समय फिंगरप्रिंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था कि सही फिंगर यूज करने के बाद भी फिंगर मिसमैच होता था एंड अनलॉकिंग में प्रॉब्लम और डिले देखने को मिलता था। बट अपडेट के बाद इसे भी फिक्स कर दिया गया है। वन टच में इजीली अनलॉक कर सकते हैं जो कि काफी ज्यादा फास्ट है, तो ये प्रॉब्लम भी अब फिक्स हो चुका है। साउंड एंड ऑडियो कंट्रोल पैनल में टोटल 5 ऑप्शन मिलता है और UI डिजाइन थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन अच्छा लग रहा है। एंड नीचे एक सेटिंग्स बटन मिलता है जिसे आप क्लिक करने के बाद डायरेक्टली ऑडियो कंट्रोल सेटिंग पैनल में जा सकते हैं एंड यहाँ से भी आप इजीली अपने ऑडियोस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे बड़ा सवाल कि अपडेट के बाद बैटरी बैकअप कितना मिलता है। तो देखिए ये फोन उतना हेवी टास्क के लिए यूज नहीं होता है, सिर्फ बेसिक चीजों के लिए यूज होता है जैसे कि गाना सुनना, वीडियोस वगैरह एंड फोन कॉल्स। एंड इस हिसाब से मुझे बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप मिल रहा है एंड बैटरी बैकअप आप भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अगर आपको बैटरी बैकअप कम लग रहा है, चाहे वो अपडेट से पहले या अपडेट के बाद। तो यहाँ पे जो रिकमेंडेशन दे रहा है बैटरी वाला, इसे आपको जरूर फॉलो करना चाहिए एंड जो भी चीजें यहाँ पे डिसेबल या इनेबल करने बोल रहा है इसे आप कर दीजिए जिससे आपका थोड़ा बहुत बैटरी ज्यादा बैकअप मिलेगा। एंड इसे मैं पर्सनली भी यूज करता हूँ एंड आप लोगों को भी रिकमेंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट सिक्योरिटी पैच, जो मुझे बहुत पहले ही बता देना चाहिए था, बट इसका भी एक रीजन है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सिक्योरिटी पैच है एक्चुअली में अप्रैल वाला मिला है जबकि अभी जून चल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को डिसअपॉइंट हो सकता है, बट मे बी ये जब नेक्स्ट अपडेट आए तो ये सिक्योरिटी पैच भी एग्जैक्ट मंथ के हिसाब से आपको मिल जाए तो ज्यादा बेटर होगा। तो ये था अपडेट में चेंजेस। और बात रही कि कैसा आपको इंस्टॉल करना है, तो देखिए एक स्टेबल अपडेट है तो आप बहुत इजी तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के लिए सिंपली सेटिंग्स पे जाना है, उसके बाद अबाउट सेक्शन में आ जाइए, जो अपडेट लिखा हुआ है Realme UI 5 यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपडेट शो हो जाएगा जो लेटेस्ट अपडेट है Realme UI 14.0 वाला, एंड अपडेट आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई भी मुझे ऐसा भी बग वगैरह देखने को नहीं मिला है, बहुत अच्छे तरीके से भी काम कर रहा है। यहाँ से इजीली आपको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इंस्टॉल करने टाइम आपके डिवाइस में बैटरी कम से कम 50% से ऊपर रहना चाहिए फॉर सेफ्टी। और अब आप लोगों का सवाल होगा कि Realme UI 6.0 का अपडेट कब मिलेगा। तो देखिए इसका फाइनल डेट तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बट ये एक न्यू डिवाइस है जो अभी अभी लॉन्च हुआ है एंड इस हिसाब से Realme P1 डिवाइस को Realme UI 6.0 का अपडेट जरूर मिलेगा। तो बस यही था एक अपडेट कि Realme P1 को लेटेस्ट अपडेट मिला है जिसमें कुछ बग वगैरह फिक्स किया गया है, कुछ लेटेस्ट फीचर्स मिला है। तो आज के लिए बस इतना ही एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक छोटा सा गेमिंग टेस्ट करेंगे BGMI वाला एंड देखें कि परफॉर्मेंस कैसे मिलता है, बैटरी बैकअप कैसे मिलता है। आगे और भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिए। पर्सनली कोई हेल्प चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए एंड इंस्टा में फॉलो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।